ये है हमारी स्पेशल मजेदार पनीर, मटर पनीर की ग्रेवी। पालक पनीर की ग्रेवी तो आपने खाई होगी, लेकिन इस तरह की ग्रेवी आपने शायद ही कभी खाई होगी, तो आप इसको जरूर से बना के ट्राई करना। आप शायद ही इस तरह के मेथड से कभी बनाए होंगे या कभी देखे होंगे, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट मेथड से मैं बना रही हूँ ये मटर पनीर की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस को अच्छे से क्लीन करके ले लिया है, और ये 1 बाउल है, तकरीबन 1/2 किलो की मटर पीस की जो खली है वो लेके मैंने इसको निकाल लिए हैं। और ये 2 मीडियम साइज टोमेटोस है, और ऑनियन भी 2 मीडियम साइज की ही है, दोनों को मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। और ये कोरिएंडर है, कोरिएंडर के एक बंच को मैंने ले लिया है यहाँ पे, और 5 ग्रीन चिलीज को लिए हुए हैं। ये ग्रीन चिलीज के अंदर के सीड्स सारे मैंने स्क्वीज करके निकाल लिए हैं, 4 to 5 ग्रीन चिलीज हैं, और ये कोरिएंडर है। और इसके अंदर जो आपको ये डंडी नज़र आ रही है फ्रेंड्स, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जिनको अक्सर घर में बड़े अपने बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं उनको अक्सर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी शिकायत अगर आप 1 वीक कम्प्लीटली डेली बेसिस पे इसको लेंगे चटनी के रूप में या फिर किसी भी रेसिपी में, तो 1 वीक में आपके जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी प्रॉब्लम जॉइंट पेन्स की है वो यूं दफा हो जाएगी। तो आप इस ट्रिक को, इस रेमेडी को जरूर यूज करके एक बार देख लेना, क्योंकि इसके बहुत फायदे मैंने बहुत जन से सुने हैं। तो आप इसकी डंडियों को बिल्कुल भी मत फेंकिए। और ये मैंने पनीर ले लिया है 1 प्याली जितना, और इसमें मसाले, सूखे मसाले बिल्कुल भी ज्यादा नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ 2 सूखे मसाले। तो पैन हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है, हम सबसे पहले पनीर को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ऑयल मैं ले रही हूँ। पनीर और मटर दोनों को रोस्ट करना है, तो पहले मैं पनीर को रोस्ट करके निकाल लूँगी। पनीर को हम रोस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर इसको रोस्ट नहीं करेंगे तो ये टूट सकता है ग्रेवी में मिक्स करने के टाइम पे, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो ये टूटेगा नहीं। इसको रोस्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग मटर भी रोस्ट करके निकाल लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे पनीर को इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है कि इसके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स आ गए, मीन्स इट्स डन। तो अभी इसको हम लोग निकाल लेंगे और मटर को फ्राई कर लेंगे फटाफट से। ये ऑयल जो है इसको फ्राई करने के बाद वापस इसी पैन में हम लोग और थोड़ा ऐड करके इसी में हम लोग अपनी ग्रेवी फ्राई करेंगे। तो पनीर मैंने निकाल के ले लिया, अभी वापस से मटर फ्राई कर लेंगे। तो ये चले गए हमारे मटर पैन के अंदर, अभी फटाफट से इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई मटर को हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि मटर की जो कच्ची स्मेल है, रॉ स्मेल है, वो ना आए, और इसका कलर भी फ्रेंड बहुत अच्छे से फ्राई करने की वजह से एकदम ग्रीन डार्क कलर हो जाता है, एकदम एकदम ब्राइट ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं ग्रीन पीस, इनका कलर भी ग्रीन होना शुरू हो गया है। तो बस इसको ज़्यादा पकने नहीं देना है, इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। 2 मिनट के लिए हम लोग स्टर करेंगे, फिर इसको निकाल के मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो गाइस ये देखिए मैंने ग्रीन पीस को अच्छे से फ्राई कर लिया 2-3 मिनट के लिए। तो जब तक फ्राई किया जब के इनका इन ग्रीन पीस का कलर थोड़ा ब्राइट नहीं हो जाए, ये देखिए लग रहा है ना थोड़ा और ग्रीन, बड़ा ज़्यादा ग्रीन हो गए है ना। तो अभी इनको मैं क्या करूँगी, मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, एकदम बारीक नहीं करना है हम लोग को, बस इतना करना है कि थोड़े थोड़े ये ग्रीन पीस जो हैं थोड़े अच्छे रहें, और थोड़े रफली, बस रफली ग्राइंड करना है। और जैसे ही ग्राइंड हो जाए
तो फिर उसके अंदर ये कोरिएंडर और अपने ग्रीन चिलीज 4-5 जो मैंने ले लिए थे उसको भी हम लोग को इसका भी पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट बनाना है और इसको एकदम रफली ग्राइंड करना है। ये अपने सारे मटर को एकदम कम्प्लीटली पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसको रफली ग्राइंड करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मटर को ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरह से। तो अभी मैं सेम इसी जार में इसको भी ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए, इसमें बस ऊपर ऊपर जो है मटर पूरे पूरे वैसे के वैसे ही हैं, और अंदर का थोड़ा इस तरह से इस टेक्सचर में आपको ग्राइंड करके ले लेना है। तो अभी इसी जार में मैं इसको भी ग्राइंड करके बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये मैंने इसको रफली ग्राइंड कर लिया, ग्रीन पीस को, और ये पनीर है। और ये ग्रीन पीस को ग्राइंड करने के बाद उसी जार में हमने कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज को भी पेस्ट बना लिया था। अभी चलिए फटाफट से मैं आपको ग्रेवी बना के दिखाती हूँ। तो ऑयल मैंने इसमें और 1 टेबल स्पून ले लिया है, तकरीबन इतना ऑयल ले लिया है मैंने। अभी इसमें प्याज को फ्राई कर देते हैं, ऑनियन को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ऑनियन को डालने से पहले हमको मेथी सीड्स को डालना था, जो कि मैं भूल गई थी, सॉरी। ऑयल जैसे गर्म होता है तो हम सबसे पहले ये मेथी सीड्स को डालेंगे, फिर ऑनियन को डाल के इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ऑनियन गोल्डन हो चुकी है। अभी स्टेज पे हम ये जो कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज का हम जो पेस्ट बनाए थे इसको इन मसालों के साथ में डाल देंगे। ये थोड़ा फ्राई होने देते हैं मसालों को। अभी ये पेस्ट को भी इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी इसको थिक होने तक अच्छे से हम लोग पका लेंगे। तो टोमेटोज को भी मैं इसी में डाल रही हूँ। जब ये एकदम फ्राई होके थिक हो जाएगा तो मैं उसके अंदर इसको डालूंगी जो हमने मटर को ग्राइंड करके रखे थे। तो ये मटर को मैंने इसके अंदर मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। अभी एकदम से ड्राई हो चुका है, फ्राई होके अच्छे से। तो अभी इस स्टेज पे हम वाटर को मिक्स करके अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी सेट कर लेंगे, नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको और 2 मिनट तक पकने दूंगी पनीर को मिक्स करके। 2 से 5 मिनट तक पनीर को मिलाने के बाद पकने देना है। मेरे हिसाब से ये पूरा 1 ग्लास जाएगा पानी इसके अंदर। ये 2-5 मिनट तक पकेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और रिड्यूस होके थोड़ी कम हो जाएगी और मेरे हिसाब की बन जाएगी। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितना वाटर लगेगा उतना डाल के आप सेट कर लीजिए और 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। चलिए व्यूअर्स, इसको चेक कर लेते हैं बन के तैयार है कि नहीं। इसको मैंने 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे लिड को बंद करके कुक कर लिया था। तो इस तरह से बन के तैयार है, इतनी थिकनेस काफ़ी है। तो मैं इसको आपको सर्व करके दिखा देती हूँ फटाफट से। ये देखिए व्यूअर्स, अपनी एकदम लिप स्मैकिंग पनीर ग्रेवी बन के तैयार है, मटर पनीर ग्रेवी। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करना और मुझे बताना कि आप पहले कभी इस तरह की एकदम सिंपल कम मसालों में बन के तैयार होने वाली ग्रेवी खाए हो या नहीं। और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।